सो रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरा जो नया पीसी है वो मैंने बिल करवाया था, और उसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से जाकर चेकआउट कर लेना, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं उस पीसी बिल में मैं कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया था, उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू देने वाला हूँ उसी ग्राफिक्स कार्ड का। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वॉज इट वीडियो टिल द एंड, होप लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू नॉट फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फेसबुक, गो चेक आउट एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फेसबुक, बिकॉज आई एम एक्टिव ऑन दिस टू प्लेटफॉर्म ऑल्सो। एंड एज ऑलवेज लीव अ लाइक, subscribe to my channel, and hello guys, you're watching my channel Tech Rudro. I'm Rudro, let's get started. तो मैं मेरे पीसी बिल के लिए जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है उसका नाम है ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, जो कि बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है। तो चलिए पहले हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं ग्राफिक्स कार्ड के अलावा आपको इस बॉक्स के अंदर और क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, आप जैसे देख सकते हैं जो बॉक्स का बिल्ड है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद पहले आपको लिखा हुआ मिल जाता है स्ट्रिक्स, क्योंकि ये ROG स्ट्रिक्स एडिशन का कार्ड है तो आपको स्ट्रिक्स लिखा हुआ मिल जाता है। और ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको इस बॉक्स से हम निकाल लेते हैं। इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर और दोनों साइड में आपको स्ट्रिक्स लिखा हुआ मिल जाता है, और आपको कुछ देखने को नहीं मिलता इस बॉक्स के ऊपर, पूरा ब्लैक बॉक्स है। और जो इस बॉक्स का जो बिल्ड है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये बॉक्स, पूरा ब्लैक कलर का। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपको और क्या कुछ देखने को मिलता है इस बॉक्स के अंदर। तो इस ब्लैक बॉक्स को ओपन करने के बाद पहले आपको एक ASUS की तरफ से एनवेल्प देखने को मिल जाता है, जिसमें शायद से पेपर वर्क्स होगा। ओके, स्पीड सेटअप। तो आपको इसमें इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है इस एक छोटे से बुक के अंदर, जो कि आपको इसके एनवेल्प के अंदर मिल जाता है। तो इसको हम साइड में डाल लेते हैं और देखते हैं आपको और क्या कुछ देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर। तो ये फॉर्म को हटा लेते हैं, और इस फॉर्म को हटाने के बाद आपको पहले जो चीज़ देखने को मिलता है वो है आपका ग्राफिक्स कार्ड, जो कि देखने में बहुत अमेजिंग लग रहा है। और भाई ये तो एक अलग सा फीलिंग है जब आप इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और अपना ग्राफिक्स कार्ड को पहली बार आप देखते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड को निकालने से पहले हम देखते हैं बॉक्स के इस साइड में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो इस साइड में आपको एक केबल देखने को मिल जाता है, और ये जो केबल है ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का केबल है। आपको इसके अलावा आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाता है एक केबल मैनेजमेंट स्ट्रैप, जो कि ROG के ब्रांडिंग में दिया हुआ है इस जगह पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये रहा हमारा ग्राफिक्स कार्ड, तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं इस बॉक्स से। इस ग्राफिक्स कार्ड को इस प्लास्टिक से भी निकाल लेते हैं। इस ग्राफिक्स कार्ड छोड़ के बॉक्स के अंदर आपको कुछ स्टिकर्स, कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं ROG की तरफ से, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। और ये रहा हमारा ग्राफिक्स कार्ड, जैसे देख सकते हैं जो बिल्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, और ऊपर की तरफ आपको ASUS Strix लिखा हुआ मिल जाता है, आपको ROG का RGB लोगो देखने को मिल जाता है, और नीचे की तरफ आपको ROG लोगो के साथ रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा हुआ मिल जाता है, और इस ऊपर की तरफ आपको GeForce RTX लिखा हुआ मिल जाता है, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है एक RTX कार्ड है तो आपको RTX लिखा हुआ तो मिल ही जाता है। और ओवरऑल अगर बिल्ड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड है।
तो पहला बात कर लेते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आपको इसमें PCIe Express 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें आपको 8GB का GDDR6 मेमोरी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही फास्ट मेमोरी है। और ये जो ग्राफिक्स कार्ड है, ये एक OC एडिशन ग्राफिक्स कार्ड है, यानी आपको पता चल रहा होगा ये एक ओवरक्लॉक एडिशन है। मतलब आपको इसमें दो मोड देखने को मिलता है, एक OC मोड और एक गेम प्ले मोड, जो अलग अलग दो अलग अलग मोड है अलग अलग कामों के लिए। और जिसका इंजन क्लॉक है वो भी इसी मोड के चलते हुए डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको OC मोड में आपको जो GPU बूस्ट क्लॉक मिलता है वो है 1860 MHz, और आपको जो GPU बेस क्लॉक मिलता है वो है 1500 MHz। आपको एक गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जो GPU बूस्ट क्लॉक मिलता है वो है 1830 MHz, और आपको GPU बेस क्लॉक मिलता है वो है 1470 MHz। ये जो दो मोड है ये आप अलग अलग कामों के लिए दिया गया है। डिफरेंस तो आपको दोनों मोड पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, इंजन क्लॉक स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आपको जो आपको रियल टाइम यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। और आपको इसमें 2176 CUDA कोर्स देखने को मिलता है, जो कि आपके रेंडरिंग टाइम में, मतलब वीडियो रेंडरिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको इसमें मिल जाता है दो HDMI 2.0B पोर्ट, दो डिस्प्ले पोर्ट जो कि 1.4 है, जो कि एकदम लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें आपको एक USB टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। और आपको इसमें HDCP का भी सपोर्ट मिल जाता है। और आपको इसमें जो OpenGL मिलता है वो एकदम लेटेस्ट मिलता है, यानी OpenGL 4.6 आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसका जो आपको मेमोरी स्पीड मिलता है वो है 14,000 MHz, जो कि इनसेन है। इसमें आपको जो मेमोरी इंटरफेस देखने को मिलता है वो है 256 बिट्स का, जो कि बहुत ही एक अमेजिंग बात है। और इसका जो मैक्स डिजिटल रेजोल्यूशन है वो है 8K। तो आप समझ सकते हैं, आप किसी भी 8K मॉनिटर आप इसके साथ अटैच कीजिए और 8K कंटेंट आप चला सकते हैं। लिटरली आप 8K वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं इसी ग्राफिक्स कार्ड की मदद से, क्योंकि इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको इसका कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलता है। इसमें आप इससे एक टाइम में चार मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, चार 4K मॉनिटर्स आप कनेक्ट करके चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो इसका एडवांटेजेस है उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो इसमें आपको सिर्फ CUDA कोर्स देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको दो और कोर्स भी देखने को मिलता है। एक है RT कोर्स। RT कोर्स में आपको समझ आ रहा है एक RTX कार्ड है, और RT कोर्स का मतलब है रे ट्रेसिंग कोर्स आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको इस लेटेस्ट जो अभी गेम्स निकल रहे हैं मार्केट में उसमें आपको रे ट्रेसिंग देखने को मिलता है, जिससे कि जो हाईलाइट शेडोज और लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, जिससे कि जो आपको ग्राफिक्स मिलता है वो बहुत अमेजिंग देखने को मिलता है। और आपको इसमें टेंसर कोर भी देखने को मिलता है, जो कि DLSS में आपको काम में आता है, जैसे कि अभी जो लेटेस्ट गेम निकला है टॉम्ब रेडर और बैटलफील्ड 5, उसमें आपको DLSS का यूज़ होता है, जो कि आपके जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग को और भी ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा एनहेंस कर जाता है, जिससे कि आपको और भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और आप इसमें आराम से 4K एडिटिंग कर सकते हैं, 6K एडिटिंग कर सकते हैं, 8K तक आप एडिटिंग कर सकते हैं इसके साथ। और आप 4K में भी गेमिंग कर सकते हैं, 2K में हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग कर सकते हैं, और 1080p में भी आप हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग तो कर ही सकते हैं। और आपको इसका जो ग्राफिक्स कार्ड जो है ना वो बाहर से बहुत अमेजिंग देखने को दिखता है आपको, जैसे देख सकते हैं RGB पूरा है, देखने में अमेजिंग है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। हाँ, थोड़ा जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये जस्टिफाई करता है, और मैं कहूँगा ये मेरा एक वर्थ परचेस है मेरे PC बिल के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर से पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा के मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको पास में एक बेल आइकन देगा, उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको मिलेगा मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले, क्योंकि मैं आपके लिए कहता हूँ ऐसे कुछ नए टेक वीडियोस। तो आज के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।